हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था मिजुहारा वॉशरूम गई थी और फिर मामी उसके पास गई। उसने बोला तुमने रिंग एक्सेप्ट कर ली, मतलब तुम और कासुया शादी करने वाले हो। वो बताती है मैंने तुम्हारी और हारूमी की बात सुन ली थी और जिस तरह तुम बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे तुम वेडिंग रिंग की बात कर रहे हो और अब मुझे लग रहा है कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। वो कहती है तुम ये क्या कर रही हो, वो रिंग बहुत एक्सपेंसिव है और क्या एजेंसी को ये पता है। मिजुहारा कहती है मैं रिंग को बस कुछ टाइम के लिए ही रख रही हूँ। मामी उस पर चिल्लाती हुई कहती है होश में आओ, तुम रेंटल जीएफ हो, तुम इस तरह की चीजें किसी से नहीं ले सकती। इससे फर्क नहीं पड़ता कासुया कितना पुशी हो रहा है, अब तुम और काइंड एक्ट नहीं कर सकती। जैसे तुम एक्ट कर रही हो, तुम कासुया के ना होते हुए भी फैमिली को लीड कर रही हो। इस बार तुम मैं प्रोफेशनल हूँ वाले एक्सक्यूज से खुद को नहीं बचा सकती, आंसर दो मुझे। मिजुहारा कहती है मुझे पता है और मैं रिंग को वापस करने के लिए ही लाई हूँ। मामी पूछती है कब कब करोगी तुम उस रिंग को वापस। मिजुहारा कहती है मुझे नहीं पता। मामी कहती है तुम कब तक चीजों को ऐसे ही खींचती रहोगी। मिजुहारा सॉरी कहती है। मामी कहती है मैं ये नहीं कहना चाहती पर सबको धोखा देकर तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो रहा है क्या। अब मैं और नहीं देख सकती, मैं दादी नागोमी को प्यार करती हूँ और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि तुम उन्हें धोखा दे रही हो। मिजुहारा कहती है सॉरी, मैं तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हूँ। मामी कहती है इट्स फाइन, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो अभी भी रेंट कर रहा है। पर मुझे एक और बात जाननी है, कासुया तुम्हारे लिए स्पेशल है या बस एक क्लाइंट है। तुम जैसे सब कर रही हो तुम रेंटल जीएफ नहीं लगती। मिजुहारा कहती है वो बस एक क्लाइंट है। मामी उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाते हुए कहती है टाइम हो गया है, तुम दादी नागोमी को रिंग वापस करोगी और उन्हें सब सच बताओगी। मुझे यकीन है वो सब समझ जाएंगी, अगर तुम अभी सच बताती हो तो मैं अभी भी तुम्हें बचा सकती हूँ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं निकलेगी, तुम बस एक विक्टिम हो। मिजुहारा उसे काम डाउन होने को कहती है। तभी दादी वहाँ आती है और पूछती है सब ठीक तो है ना, तुम दोनों बहुत देर से बातें कर रही थी तो मैं चेक करने आ गई और तुम मुझे क्या देने की बात कर रही थी। मिजुहारा सोचती है क्या इन्होंने सब सुन लिया, मैं इन्हें रिंग के बारे में नहीं बता सकती और मामी भी यहाँ है, मैं क्या करूँ, मेरा सर घूम रहा है। मामी कहती है मिजुहारा आपको बर्थडे गिफ्ट देने की बात कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या देना चाहिए। दादी कहती है तुम मुझे कुछ भी दोगी मुझे खुशी होगी और अभी बर्थडे आने में टाइम है। और मामी कहती है देखा मैंने बोला ही था। अब वो दादी से कहती है चलो चलते हैं वरना सूप ठंडा हो जाएगा। दोनों जा रहे थे और जाते हुए मामी मिजुहारा से कहती है तुम्हें पता है हमने क्या बात करी। वो कहती है पेशेंस मुझे सूट नहीं करता तो मुझे उम्मीद है आज सब सॉर्ट हो जाएगा। दादी कहती है क्या बात कर रही हो। मामी कहती है ये किसी और बारे में है। और मिजुहारा सोचती है मामी ने मेरी हेल्प करी, वो चाहती तो सब सच बता सकती थी पर उसने नहीं बताया, पर क्यों। वो सोचती है मामी ने सब कुछ सही कहा पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और इधर रूका अपने रूम में आ चुकी थी और उसने बहुत सारा खाना ठूस लिया था। वो कहती है मेरी दादी कहा करती थी ब्रेकफास्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब वो सोचती है मिजुहारा और कासुया अभी भी अकेले होंगे पर मैं अपना काम कर चुकी हूँ तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अभी तक उनको मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करते हुए भी नहीं देखा, मतलब अभी तो कन्फेशन पॉसिबल नहीं है। वो सोचती है मैं दोनों के बीच में तो आ गई पर जहाँ तक कासुया की रियल गर्लफ्रेंड बनने का सवाल है इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। वो डाउन फील कर रही थी, फिर वो खुद को स्ट्रॉन्ग करती है और कहती है अभी हम सब पूल में मिलने वाले हैं, मुझे अपना स्विम सूट पहन लेना चाहिए। और इधर कासुया और मिजुहारा रूम में अकेले थे। कासुया कहता है कंटिन्यूस 2 दिन तक पूल में जाना, क्या है वो एक ग्रेड स्कूलर, उसमें बहुत एनर्जी है। वो सोचता है हम अकेले हैं और वो कहता है अगर तुम्हारे मसल्स दर्द हो रहे हैं तो हम थोड़ा लेट पूल में जा सकते हैं पर मुझे लगता है तुम वर्कआउट करती हो तो सब ठीक होगा। मिजुहारा कुछ नहीं कह रही थी। कासुया सोचता है इसे क्या हुआ, नॉर्मली तो ये इंस्टेंटली रेडी हो जाती थी पर अभी ये बस चुपचाप बैठी हुई है। अब सोचता हूँ तो याद आ रहा है जब से वॉशरूम से आई है ये अजीब बर्ताव कर रही है, क्या वॉशरूम में कुछ हुआ था। वो परेशान हो रहा था क्योंकि उसे बहुत मुश्किल से अकेले में टाइम मिला था पर वो अभी भी कन्फेस नहीं कर सकता क्योंकि मिजुहारा का मूड ऑफ है। वो सोचता है पर मेरा गोल उसके बुरे वक्त में उसका साथ देने का भी है और वो उससे पूछने की ट्राई करता है। तभी मिजुहारा कहती है तुम मामी के बारे में क्या सोचते हो, उसका इस ट्रिप पे आना हमारे लिए सरप्राइज था, हमें अभी तक इस बारे में बात करने का टाइम ही नहीं मिला था।
कासुया कहता है, मैंने कल उससे थोड़ी बात करी थी। वो कहता है, तुमने बताया था कि मामी हमारे बारे में सब जानती है, पर फिर भी वो चुप है। और वो अचानक से ट्रिप पे आ गई, तो मुझे लगा वो कुछ कहना चाहती होगी। आखिर वो जिसे इन सब का दोषी समझती है वो तुम नहीं मैं हूँ, मिजुहारा पूछती है उसने क्या कहा। कासुया कहता है, वो नाइस है, उसने कहा वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जो मुझे अपसेट कर दे। और वो मिजुहारा से पूछता है, तुमने अचानक से उसके बारे में क्यों पूछा, क्या तुमने उससे बात करी थी। मिजुहारा कहती है, चीजें बदल चुकी है। काजुया कहता है, मामी ने कुछ कहा क्या, पर कल तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। तभी डोरबेल बजती है, दोनों देखते हैं दादी आई थी। वो पूछती है, क्या तुम पूल में जाने के लिए रेडी हो। वो कहती है, बाहर ठंड है तो टॉवल भी ले लेना। कासुया सोचता है फिर से ग्रैंड माँ, ये ग्लू की तरह 24 घंटे इससे चिपकी रहती है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दादी कहती है, मिजुहारा मुझे कासुया से अकेले में बात करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वो कहती है, मैं इसे थोड़ी देर बाद पूल में भेज दूंगी। कासुया सोचता है इन्हें मुझसे क्या बात करनी है। और मिजुहारा कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वैसे भी थोड़ा घूमने की सोच रही थी। दादी पूछती है, कहाँ। मिजुहारा कहती है, मैंने सुना है यहाँ पास में चर्च है। दादी कहती है, हाँ ये ठीक है, वैसे भी पूल जाना मैंडेटरी नहीं है और इससे हम दोनों का काम हो जाएगा। अब मिजुहारा वहाँ से चली जाती है और वो मामी की सभी बातों को याद करते हुए सोचती है, ज्यादा चांसेस है कि मामी झूठ बोल रही है, वो अभी मेरे लिए सबसे डेंजरस है और मामी से पहले खुद सबको सच बताना अनरीजनेबल प्लान है। इससे कोई अच्छा रिजल्ट आएगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर दादी को बहुत हर्ट होगा। अगर हम पहले ही माफी मांग लेते तो शायद थोड़ा बेटर रिजल्ट हो सकता था, पर ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सब उसे डिसाइड करना है। अगर मैं उसे बता दूं कि कैफे में क्या हुआ था तो शायद हमारा प्लान चेंज हो जाएगा, हम दोनों मिलकर मामी को रोक सकते हैं, पर इससे उसे हर्ट होगा। तो मुझे पहले ये जानना होगा कि उसके दिल में अभी भी मामी के लिए फीलिंग्स है या नहीं। और पूल में रुका अकेले थी, वो सोच रही थी क्या कासुया मिजुहारा के साथ अकेले है। और यहीं पे चैप्टर 208 और 209 एंड होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।